हेलो स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे एट्थ स्टैंडर्ड की ज्योग्राफी का चैप्टर टू जिसका नाम है इंटीरियर्स ऑफ द अर्थ पृथ्वी के आंतरिक भाग इन द प्रीवियस क्लासेस यू हैव बीन इंट्रोड्यूस टू रॉक टाइप्स वॉलकैनोज एंड अर्थ क्विक्स हमने जो अब तक की कक्षाओं में अब तक पढ़ा पत्थरों के प्रकार ज्वालामुखी और भूकंप के बारे में आइए इनके बारे में कुछ कौश, बेसिक क्वेश्चन के आंसर पढ़ते हैं वैन अर्थ को अकर्स वट हैपन्स एग्जैक्टली अर्थ के कब आते हैं और इनके पीछे एग्जैक्ट क्या कारण होता है हाउ आर इंजीनियस रॉक्स फॉर्म्ड इंजीनियस रॉक्स कैसे बनते हैं वट इज़ अ वॉलकैनो विच मटीरियल कम आउट ड्यूरिंग अ वॉलकैनिकप्शन वॉलकैनिकप्शन के टाइम पर कौन कौन से खनिज पदार्थ uh, बाहर आते हैं इन विच स्टेट ऑफ द मैटर आर आर्धिज मटेरियल्स जो ज्वालामुखी के फटने पर जो खनिज पदार्थ बाहर आते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं वो सॉलिड लिक्विड गैसियस तीनों फॉर्म्स में होते हैं आर आरधिज मटेरियल्स कूल और हॉट वाई ये मटेरियल गर्म होते हैं या ठंडे ज़्यादा ये मटेरियल हमेशा गर्म ही होते हैं जो ज्वालामुखी के फटने पर बाहर निकलते हैं आइए एक एक्टिविटी ट्राई करते हैं बॉयल हाफ अ लीटर ऑफ मिल्क वेन द मिल्क कंस टू बॉयल स्विच ऑफ द गैस कीप अर लिड ऑन द वैसल जैसे हम एक बर्तन में दूध गर्म करने के लिए रखेंगे आधा लीटर दूध जैसे ही दूध बॉयल होने लगेगा हम वैसे ही गैस को बंद कर देंगे और वस, उस बर्तन को ढक देंगे द लेटर पार्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट यू हैव टू यूज योर ऑब्जर्वेशनल स्किल्स एंड अराइव एट सम कंक्लूजन्स तो जो इसका बाकी का हिस्सा है उस पर हमें ध्यान देना होगा वहीं से हमें जो हम देखेंगे उसके बेस पे हमें ऑब्जर्व करना है कि क्या हो रहा है और उसका नतीजा हमें निकालना है आफ्टर टेन मिनट्स रिमूव द लेट टेक टू अ साइड एंड टिल्ट इट इसके बाद हम क्या करेंगे दस मिनट बाद वो जो हमने ढकन उसको ढका है उसको हटाएंगे और दूध को साइड में ले जाके उसको टेढ़ा कर देंगे ऑब्जर्व वट हैपन्स वेन वट कैन यू सी ऑन द मिल्क तो हमें देखना है कि मिल्क uh, दूध के ऊपर क्या होता है उस टाइम पर इन वट फॉर्म डू यू सी द लेयर ऑफ द मिल्क ऑन ऑन द मिल्क लेयर मैटर ऑन द मिल्क कि दूध के ऊपर किस uh, चीज़ की परत जम जाती है रिमूव दिस लेयर ऑफ मैटर टेक नाट ऑफ द डिफरेंट इन टेम्परेचर ऑफ़ दिस मैटर एंड द मिल्क एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन तो इसके बाद हमने ऊपर का हिस्सा हटा देना फिर हमने दूध का तापमान और उस जो ऊपर का मैटर था उसका तापमान देखना है और दोनों में डिफरेंस चेक करना है कि कितना है और उसके बेस पे हमें ये कुछ क्वेश्चन के आंसर देने वेन द मिल्क वॉज कैप्ट फॉर बॉयलिंग इन विच स्टेट वॉज इट जब मिल्क को हम उबाल रहे थे तो वो किस स्टेट में था वैन द मिल्क वॉज बॉयलिंग वट डिड यू ऑब्जर्व क्या ऑब्जर्व किया हमने जब दूध उबल रहा था वट हैड अकोमलेटेड ओवर द लिड ऑफ द दैसल उसके ऊपर क्या जमा हो चुका था उस टाइम समय एलवेदर द मैटर इज लिक्विड और सॉलिड वो सॉलिड था या लिक्विड था जो ऊपर इकट्ठा हुआ था दूध के वज इट कूलर और हॉटर द मिल्क बिलो वो दूध से उसका तापमान दूध से ज्यादा था या कम था जो मैटर ऊपर इकट्ठा हुआ था पदार्थ जो ऊपर इकट्ठा हुआ था विच अदर सब्सटांसिस कैन सिमिलर एक्सपेरिमेंट भी कैरड आउट ये उन किस चीजों पर सेम एक्सपेरिमेंट हम कर सकते हैं परफॉर्म आइए इसकी ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन uh, पढ़ते हैं बिफोर बॉइलिंग द मिल्क वॉज इन द लिक्विड स्टेट दूध को उबालने से पहले वो लिक्विड स्टेट में था आफ्टर इट केम टू अ बॉयल स्टीम स्टार्टेड कमिंग आउट फ्रॉम इट जब दूध उबलने लगा तो उसमें से भाप बाहर आने लगी आफ्टर टाइम अ थिक लेयर ऑफ क्रीम डेवलप्स ओवर द मिल्क उसके बाद एक मोटी uh, मलाई की परत दूध के ऊपर जम जा, जम गई थी कुछ समय बाद द टेम्परेचर ऑफ द क्रीम इज लेसर देन द मिल्क बिलो और उस मलाई का टेम्परेचर जो तापमान था वो दूध से कम था दस इट कैन बी इम्प्लाइड दैट द क्रीमी लेयर कूल्ड फास्टर दैन द अर्थिक मिल्क बिलो इट तो हम इसे ये पता चलता है कि मलाई जो है वो दूध के मुकाबले जल्दी ठंडी हो गई थी विच रिमेन हॉट एंड इन द लिक्विड फॉर्म जिस और जो कि दूध जो था वो गर्म था और वो लिक्विड फॉर्म में था अ सिमिलर प्रोसेस अक्ड वैन द अर्थ कूल्ड ऐसा ही तब हुआ था जब धरती ठंडी हुई थी तो क्या हुआ कि धरती की ऊपर की लेयर जो थी वो ठंडी हो गई है लेकिन धरती का मेंटल जो कोर है वो अभी भी गर्म है द साइंटिस्ट यूनानिमसली बिलीव दैट द अर्थ वॉज फॉर्म्ड आउट ऑफ सोलर सिस्टम इट्सल्फ तो साइंटिस्ट जो है वो उन एक तरफा इस बात पर यकीन करते हैं कि धरती जो है वो uh, इस ब्रह्मांड से ही बनी है इनिशियली अर्थ वॉज अ गैसियस होल हॉट बलून धरती एक पहले गैस का गर्म गुब्बारा थी इट कूल डाउन एज इट रोटेटेड अराउंड इट जैसे जैसे धरती अपने ही चारों घूमने लगी वो ठंडी होती गई द प्रोसेस ऑफ कूलिंग टुक प्लेस from द आउटर सर्फेस टूअर्ड्स द अर्थ सेंटर और ये जो ठंडे होने का तरीका है ये बाहर का सरफेस पहले ठंडा हुआ है फिर उसके अंदर का एज अ रिजल्ट द आउटर लेयर ऑफ द अर्थ बिकेम कूलर एंड द सॉलिड बट एज वी मूव फ्रॉम द सर्फेस टू द कोर हीट इंक्रीजेज एंड एट सर्टन डेप्थ द इंटीरियर ऑफ द अर्थ इज सेमी लिक्विड तो जैसे जैसे हम धरती के ऊपर का जो हिस्सा है वो ठंडा है जैसे जैसे हम अंदर जाते रहते हैं उसका तापमान बढ़ता रहता है और एक, एक जगह के बाद अंदर का जो धरती का हिस्सा है वो आधा सॉ लिक्विड है और आधा सॉलिड है मैन हैज ऑल्वेज बीन इन इंक्विजिटिव अबाउट वट लाइज इन द इंटीरियर ऑफ दी अर्थ इंस हम हमेशा ही इस बात को लेकर जागरूक उत्सुक रहते हैं कि धरती के अंदर क्या है डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ दी अर्थ इंटीरियर हैज़ नॉट बीन पॉसिबल दैट अभी तक हम धरती के कोर को अच्छे से नहीं जान पाए हैं दो वेरियस मैथड्स द साइंटिस्ट हैव ट्राइड टू एस्टिमेट अबाउट द सेम हम साइंटिस्ट ने कई मैथड ट्राई किए हैं इस बात को जानने के लिए टू इन्फर अबाउट दी स्टडी ऑफ द मटीरियल्स कमिंग आउट ऑफ द वॉलैनिक इप्शन एंड दैसमिक वेवस इज वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट तो इस, आ, इस चीज़ को जानने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है कि धरती के आ, अंदर क्या क्या प, पदार्थ पाए पाए जाते हैं जो भी जो कि भूकंप के समय बाहर आ रहे हैं जो कि हमारा ओनली uh, सोर्स है पता करने का कि धरती के अंदर क्या पाया क्या है और सेस्मिक वेव्स जो भूकंप के समय uh, सेस्मिक वेव्स पैदा होती हैं वो हो एक इंपॉर्टेंट जरिया है इस बात इस बात को जानने का मैटर कमिंग आउट ऑफ वॉल्कैनिक एयर कंसिस्ट ऑफ हॉट मैग्मा गैसेस स्टीम एक्सेट्रा जब uh, uh, ज्वालामुखी के फटने पर धरती के अंदर से मैग्मा गैसें और भाफ बाहर आती हैं वेन लावा कूल्स एंड सॉलिडिफाइज इंजीनियर्स रॉक्स आर फॉर्म्ड जब इग्न इग्नियस रॉक्स आर फॉर्म्ड जब लावा ठंडा हो जाता है और uh, सख्त हो जाता है तो उसे इग्नियस रॉक्स बनते हैं थ्रू दी एस्टिमेट्स ऑफ द स्टडी ऑफ टेम्परेचर डेंसिटी ग्रेविटेशनल फोर्स एंड प्रेशर द इंटीरियर ऑफ द अर्थ वॉज अंडरस्टूड इसी के uh, तापमान को जान के उसकी डेंसिटी uh, को उसके uh, ग ग्रेविटेशनल uh, फोर्स को और उसके प्रेशर को जान के ही हम धरती के आंतरिक अं, वार के बारे में जा जान सकते समझ सकते हैं फॉर इंस्टेंस वेन वी गो डीप इन टू द माइंड वी फील एन इंक्रीज इन टेम्परेचर जैसे ही हम नॉर्मली किसी भी uh, खदान के अंदर जाते हैं तो वहाँ पर तापमान ज़्यादा पाया जाता है सिमिलरली द मैगमा कमिंग आउट ऑफ वॉल्नोज फ्रॉम द अर्थ इंटीरियर इज हॉट इसी तरह से जब मैगमा जो है वो ज्वालामुखी से बाहर आता है तो वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है सच एस्टिमेशंस वर मेड बाय द जियोलॉजिस्ट्स सेवरल अर्थक्वेक्स अकर इन वेरियस प्लेसेस ऑन द अर्थ एवरी ईयर बहुत से भूकंप अलग अलग भागों में आते हैं धरती के सेस्मिक वेव्स आर जनरेटेड जब ये भूकंप आते हैं तो सेस्मिक वेव्स पैदा होती हैं दीज वेव ट्रेवल थ्रू द इंटीरियर ऑफ द अर्थ ये वेव धरती के आंतरिक भाग से गुजरती है द स्टडी ऑफ देयर डायरेक्शन एंड वेलोसिटी हेल्प्स अस टू एस्टिमेट अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ जो ये सेस्मिक वेव्स निकलती है इनकी दिशा और इनकी गति से हमें धरती के आंतरिक भाग के बारे में काफी कुछ जानकारी मिलती है मैन हैज ऑल्सो ट्राई टू डिग बोर होल्स इन दू नो मोर अबाउट द सेम हमने कहीं खड्डे करने की कोशिश भी की है धरती के आंतरिक भाग को जानने के लिए डिड यू नो आर अर्थ वॉज फॉर्मड अप्रोक्सीमेटली फोर पॉइंट सिक्स बिलियन ईयर अगो हमारी धरती का निर्माण चार सौ uh, छ साठ हजार साल पहले चार सौ साठ करोड़ साल पहले हुआ था इनिशियली द अर्थ वॉज इन अ गैसी स्टेट धरती उस समय एक uh, गैस का गोला थी इट स्टार्टेड कूलिंग थ्रू द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन जैसे जैसे वो हीट अपनी बाहर छोड़ती गई वो ठंडी होती गई द अर्थ देन लिक्विफाइड उसके बाद अर्थ uh, पहले इस गैस थी फिर वो एक लिक्विड की फॉर्म में आ गई विद द टाइम द आउटमोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ कोल्ड फर्स्ट एंड बिकेम सॉलिड तो धरती का जो सबसे बाहर का हिस्सा था वो सबसे पहले ठंडा हुआ और सॉलिड बन गया दिस ऑटरमोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज कोल्ड द क्रस्ट और इसी बाहर धरती के बाहर के हिस्से को क्रस्ट कहते हैं इवन टुडे आउटर प्लैनेट्स ऑफ सोलर सिस्टम आर इन गैसियस स्टेट्स आज भी जो धरती हमारे सोलर सिस्टम के जो दूर के ग्रह हैं वो आज भी गैस ही के गोले ही हैं लेट्स ट्राई अन अदर एक्टिविटी कैरी आउट द फॉलोइंग एक्टिविटी बाई डिवाइडिंग द स्टूडेंट्स इंटू टू ग्रुप्स यूज द पिक्चर्स ऑन द बैक कवर फॉर द रेफरेंस हम इसके लिए आ, क्लास के बच्चों को दो हिस्सों में बांटेंगे और ये एक्टिविटी ट्राई करेंगे आ, इस एक्टिविटी अभी दिखाएंगे आपको कैसे है टेक क्ले बॉल्स ऑफ थ्री कलर थ्री कलर्स रेड येलो एंड ब्लू हम तीन कलर की क्ले लेंगे रेड येलो और ब्लू में जो जबकि मार्केट में आसानी से अवेलेबल होती है मार्क द रेड बॉल इन बिगर रेड बॉल को हमसे बड़ा बॉल बनाएंगे रेड से रोल आउट येलो कलर बॉल यू विल गेट अ फ्लैट रोटी लाइक स्ट्रक्चर उसको हम एक रोटी की तरह बेल देंगे प्लेस द रेड कलर बॉल इन साइड द येलो वन लाइक यू फील पूरन पूरन इन दूरन पॉली गिव इट अ शेप ऑफ अफियर तो हम रेड बॉल लेंगे जो हमने क्ले uh, से बनाई थी उसके ऊपर हम येलो की जो हमने uh, रोटी बनाई थी वो उसको लपेट देंगे अच्छे से वो पूरी उसको उसको भी हम एक गोले के आकार में बना दें गोले का आकार दे देंगे नाउ रोल आउट दी ब्लू बॉल एंड फिल द येलो वन इन इन इट एज़ डन अर्लियर जैसे हमने अभी रेड uh, को येलो के अंदर uh, बंद किया था वैसे ही हम ब्लू ब्लू कलर की uh, जो क्ले है उसकी एक रोटी रोटी की तरह उसको बेलेंगे और अब जो येलो वाली बॉल है उसको हम uh, ब्लू वाले के अंदर बंद कर देंगे और इसको फिर से हम गोल स्फीयर uh, बना देंगे मेक अ स्फीयर आउट ऑफ दिस टू शो द कॉन्टिनेंट्स इन द येलो ऑन द स्फियर लाइक अ ग्लोब नाओ यू नाओ योर ग्लोब मेड फ्रॉम द क्ले इज रेडी इसके बाद हम उसके ऊपर कॉन्टिनेंट्स की शेप बना देंगे uh, जो ब्लू वाला पार्ट है और अब हमारा जो ग्लोब है वो तैयार है टू सी द इंटीरियर ऑफ द अर्थ कट द स्पीयर एग्जेक्टली इन हाफ यू कैन सी वेरियस लेयर्स ऑफ द कलर्स इन साइड लाइक द लेयर्स ऑफ द अर्थ इंटीरियर नेम दिज लेयर्स तो उसके बाद हम क्या करेंगे कि अब जो हमारा स्फीयर बन चुका है जो हमारा ग्लोब बन चुका है उसको हम बीच में से काट देंगे तो वो जो है वो तीन हिस्सों में आ जाएगा बीच का रेड बाहर येलो और आउटर लेयर ब्लू जैसे आप इस इन पिक्चर्स में देख सकते हैं ये तीन क्ले लेयर्स हैं हमने इसको एक गोल कर लिया रेड वाले को फिर हमने येलो वाले को प्लेन रोटी की तरह बेला और बीच में रेड वाला रख के उसके आसपास येलो वाला कर दिया फिर येलो वाले को बंद करके उसको फिर से स्फीयर बना दिया फिर हमने यहाँ पर ब्लू वाला बेला ब्लू वाले येलो वाले को ब्लू वाले के अंदर रख के फिर से उसको गोल कर दिया और उसके ऊपर हमने कॉन्टिनेंट्स मार्क कर दिए और कॉन्टिनेंट्स को मार्क करके फिर हमने उसको काट दिया तो जब हमने उसको काटा तो ये स्फीयर ऐसा दिखने लगा